Assalamualaikum students, welcome again. Class first, I hope you all are fine, Alhamdulillah. Students, you know, we have completed, Alhamdulillah, 5 chapters of our Islamic studies. Today, inshallah, we will start our new chapter, chapter number 6. Open page number 28. The name of our chapter is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, part 1. Assalamualaikum. यहाँ पे एक बॉय देखा है आपने, यहाँ पे एक बॉय की पिक्चर दिख रही है, ये हमें सलाम कर रहे हैं. सो से वालेकुम अस्सलाम, दिस इज़ सूफियान. इनका नाम क्या है? सूफियान. आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट अ बी लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैं यहाँ हूँ, मैं आपको बताऊँगा हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. तो सूफियान हमें ये पूरी स्टोरी बताएंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. नाउ लेट्स टेक अ रीड ऑफ आवर चैप्टर. अल्लाह सेंड प्रॉफिट्स टू गाइड ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. अल्लाह ने प्रॉफिट्स को भेजा, मींस मैसेंजर्स भेजे. किस लिए भेजे? हम सबको अंधेरे रास्ते से रोशनी के रास्ते दिखाने के लिए. मैनी प्रॉफिट्स वर सेंड बाय अल्लाह. अल्लाह ने काफ़ी प्रॉफिट्स को भेजा. ऑफ देम द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनमें से हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. डू वी नो अबाउट हिम? क्या हम जानते हैं हमारे आखिरी नबी के बारे में? डू वी नो वेयर एंड व्हेन ही वाज बॉर्न? क्या हमें पता है वो कब और कहाँ पैदा हुए थे? नहीं ना. लेट्स नो एंड लेट्स लर्न टुगेदर. हम सब साथ में पढ़ते हैं, जानते हैं और लर्न करते हैं. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का ऑन मंडे 12 रबीउल अव्वल. हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे ऑन मंडे. ठीक, वो दिन क्या था? मंडे. 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल था. इन द ईयर ऑफ एलिफेंट, वो कौन सा ईयर था? एलिफेंट का ईयर था. इट वॉज द ईयर 570 अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर. अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर मीन्स अगर हम क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें, उसके अकॉर्डिंग वो कौन सा ईयर था? 570. ठीक. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न 50 डेज आफ्टर द इवेंट ऑफ द ईयर ऑफ द एलिफेंट. एलिफेंट का फेस्टिवल था उनका, वहाँ पे एक इवेंट था एलिफेंट का, इवेंट एलिफेंट के ईयर्स में ही. ठीक, उसके ठीक 50 डेज बाद हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ईयर ऑफ द एलिफेंट. ये ईयर ऑफ द एलिफेंट क्या है? द अरब्स बिफोर इस्लाम ऑफ कोर्स हैड नो कैलेंडर. अरब्स जो मतलब बिफोर इस्लाम हैव ऑफ कोर्स नो कैलेंडर मींस इस्लाम से पहले उनके पास कोई भी कैलेंडर नहीं था. अरब्स के पास दे काउंटेड डे द डेज एंड मंथ्स बट दे डिड नॉट नंबर देयर ईयर्स. ठीक, वो अपने डेज भी काउंट करते थे, अपने मंथ्स भी काउंट करते थे, बट उनका कोई ईयर काउंटेड नहीं था. वो अपना कोई भी ईयर काउंट नहीं करते थे. इंस्टेड ऑफ दैट दे वुड ओनली गिव ईच ईयर अ नेम आफ्टर सम स्पेशल इवेंट विच हैपेंड ड्यूरिंग दैट ईयर. वो ईयर्स को काउंट नहीं करते थे, वो हर ईयर को एक नाम दे दिया करते थे. वो एक इवेंट का नाम देते थे जो उस ईयर में होता था, कोई एक स्पेशल इवेंट, कोई बड़ा इवेंट, और वही उस ईयर का नाम हो जाया करता था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. द ईयर इन विच अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न समथिंग वेरी रिमार्केबल हैपेंड. जिस साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, उस साल में कुछ बहुत रिमार्केबल सा हुआ. An Ethiopian ruler named Abraha was ruling Yemen at that time. Ethiopian ruler था जिसका नाम था Abraha, वो यमन चलाता था. ठीक, he was angry, वो बहुत गुस्से में था. Because many people went to Makkah every year to visit Kaaba. क्योंकि बहुत से लोग हर साल मक्का जाया करते थे, काबे पे विजिट करते थे. Along with them they took all their business and trade there. और साथ साथ वो अपना सारा बिजनेस, सारी ट्रेड वहीं ले जाया करते थे.
अब्राहम बिकम जेलस. इससे क्या हुआ, अब्राहम बहुत जेलस होने लगा, जलने लगा. ही वॉन्टेड पीपल टू कम टू हिज सिटी. वो चाहता था कि लोग मक्का ना जाकर मेरी सिटी आएँ, मेरे शहर आएँ. इंस्टेड सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ बिग चर्च इन साना. उसने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा चर्च बनाऊँगा साना में. ही होप डैट पीपल वुड विजिट हिज चर्च एंड स्टॉप विजिटिंग काबा. उसको लगा कि मैं एक बड़ा सा चर्च बनाऊँगा अपने शहर में तो उससे लोग मेरे चर्च में आएंगे, ना कि मक्का जाएंगे काबे में. अब्राहम बिल्ट अ स्प्लेंडेड चर्च इन साना. अब्राहम ने बहुत बड़ा सा चर्च बनाया. बट द पीपल डिड नॉट कम टू हिज चर्च. बट पीपल जो लोग थे वो उसके चर्च में नहीं जाते थे. दे कंटिन्यू टू विजिट काबा. लोग कहाँ जाते थे, काबा में. लोग काबा को ही देखने जाते थे मक्का में. अब्राहम नीडेड नो फर्दर एक्सक्यूज. अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा. दे सेट आउट फॉर मक्का विद अ लार्ज आर्मी टू टेयर डाउन द काबा. अब्राहम निकल गया अपनी इतनी बड़ी आर्मी के साथ, अपनी फौज के साथ काबे को गिराने के लिए. एट द फ्रंट ऑफ द आर्मी ही प्लेस्ड एलिफेंट. उसने एलिफेंट रखे एट द फ्रंट ऑफ द आर्मी, अपनी आर्मी के फ्रंट पे. नो वन इन मक्का हैड एवर सीन एन एलिफेंट बिफोर. मक्का में किसी ने भी एलिफेंट्स को पहले कभी देखा ही नहीं था. अब्राहम वॉज नॉट फार फ्रॉम मक्का when the elephant stopped and it would move any further. अब्राहम मक्का से ज़्यादा दूर नहीं था जब एलिफेंट्स रुक गए. वहीं पर ही सारे एलिफेंट रुक गए, वो आगे बढ़े ही नहीं. अब्राहम लार्ज आर्मी ऑल्सो स्टॉप्ड. उसकी आर्मी भी वहीं रुक गई. एट दिस पॉइंट अ मिरेकल हैपेंड. उस वक्त एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ. द कुरान टेल अस इट्स स्टोरी. हमें कुरान पूरी स्टोरी बताएगा. एंड यू विल लर्न अबाउट इट इन डिटेल लेटर. आप सबको इसके बारे में पूरी डिटेल से पता चलेगा इंशाल्लाह. सिंस देन दिस ईयर वॉज कॉल्ड द ईयर ऑफ एलिफेंट. इसलिए इस ईयर का नाम पड़ा ईयर ऑफ द एलिफेंट. इट वॉज द ईयर अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न. ये कौन सा ईयर था ईयर ऑफ एलिफेंट, जिसमें हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, जिसमें अब्राहम ने अपनी आर्मी के साथ अटैक करना चाहा था काबा पर. आई होप स्टूडेंट दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल. सो योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस चैप्टर एट लीस्ट 3 times. पेज नंबर 28, 29 and 30. जज़ाकअल्लाह खैर.